जय हिंद दोस्त। जैसे हम बचपन में एक पढ़े थे फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आया उसको डिराइव करते हैं, हम अभी बड़े हो गए हम भूल गए हैं। तो a को इसके साथ इंटू करेंगे प्लस b को फिर से इसके साथ इंटू करेंगे। करते हैं a ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस बी प्लस b ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस बी। तो a इंटू a करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी करेंगे तो ए बी प्लस बी इंटू ए करेंगे तो ए बी हो सकता है बी ए भी हो सकता है। तो ए भी करते हैं क्योंकि टू थ्री जै सिक्स, थ्री टू जै बी सिक्स होता है और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ये कट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला हम सीखे तो इसका क्या बेनिफिट है, कुछ तो यूज में आना चाहिए। तो क्या करेंगे, जैसे एक नंबर लेते हैं, मान लो आई विल टेक ए नंबर 13 इंटू I mean 14 लेता हूं, 14 इंटू 16, ठीक है। तो ये जो 14 है ये 14 कैसे बना, इसका बीच वाला नंबर दिखना है हमारा 15, ये 15 से एक कम है, ये 15 से एक ज्यादा, तो वही फॉर्मूला में लाते हैं। तो 15 माइनस 1 ये 15 प्लस 1, तो मान लो ये a है, ये हो गया तुम्हारा b, a माइनस बी, ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी। और फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला डाल दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब तुम्हारा क्या होता है 15 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर पता है, ट्रिक्स बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, 1 का नेक्स्ट नंबर होता है 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो क्या कितना बन गया 224। सो इजी। वैसे ही अगर आपका मतलब बगल में कोई नंबर है, जैसे मान लो तुम्हारा 16 इंटू 18, वैसे ही कर सकते हो, ये 17 माइनस 1 और ये 17 प्लस 1 करके दिखाओ। थैंक यू।